हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुई बीजेपी उम्मीदवारों की हार जीत की पार्टी जल्द समीक्षा करेगी। ये जानकारी देते हुए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि चुनाव नतीजों की बारीकी से समीक्षा की जाएगी और भीतरघात का भी पता लगाया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी और जल्द शपथ ग्रहण समारोह होगा। चुनाव में हुई बीजेपी उम्मीदवारों की हार और जीत की पार्टी कैसे समीक्षा करेगी, इस बारे में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत की। चंडीगढ़ से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। भाजपा के उम्मीदवार जिन विधानसभा क्षेत्रों से हारे हैं पार्टी समीक्षा करेगी। इस मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, इनसे जानते हैं कि पार्टी क्यों समीक्षा करने जा रही है। जी देखिए अनिल जी, कोई भी इवेंट होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, हमारी पार्टी की ये प्रथा रही है कि हर कार्यक्रम की समीक्षा अवश्य होती है। ये तो एक बहुत बड़ा इवेंट था, हर विधानसभा के अंदर जहाँ जीते हैं या हारे हैं उनकी समीक्षा अवश्य होती है। केवल ये नहीं कि हारे हुए विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा होगी, जहाँ जहाँ हम जीते भी हैं वहाँ पर भी कितना मार्जिन रहा, क्यों रहा, किस कारण से कम वोट आए या किस कारण से हम जीत नहीं पाए, ये सारी समीक्षा होती है। और यहाँ पर भी हमने अपने तौर पर जो पंचकूला विधानसभा के अंदर हम बैठ कर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ कर के जो प्रमुख लोग हैं उनके साथ बैठ कर के समीक्षा करेंगे कि कहाँ पर कमी रही है और उस कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं आगे आने वाले चुनावों के लिए। तो ये क्योंकि वन टाइम कोई ये तो है नहीं, एंडिंग गेम है, इसके बाद भी चुनाव होने हैं, लेकिन समीक्षा इस बात की कि कहाँ पर हम कमज़ोर रहे, कहाँ पर हमें कम मतदान मिला, कहाँ ज़्यादा होना चाहिए था, ये सारी चीज़ें जो चुनाव को इफ़ेक्ट करती हैं, रिजल्ट्स को इफ़ेक्ट करती हैं, उनके ऊपर हम समीक्षा करेंगे और निश्चित तौर पर उससे कुछ हम लेसन लेंगे। गुप्ता जी, जिस तरह चुनाव के नतीजे आए हैं और थोड़े ही मार्जिन से आप रह गए हो, तो क्या पार्टी के अंदर भीतर घात भी हुआ है जिसकी वजह से आपको हार का सामना करना पड़ा हो? देखिए ये चीज़ समीक्षा के बाद, मैंने कहा ना पहले समीक्षा होगी, समीक्षा के बाद पता लगेगा कि कहीं भीतरघात हुआ है या नहीं हुआ है, कहाँ हुआ है, ये सारी चीज़ें समीक्षा के बाद पता लगेंगी। लेकिन हाँ, समीक्षा बारीकी से करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या कारण रहे। गुप्ता जी, अब सरकार भाजपा की बनने जा रही है, तो सरकार बनते ही सबसे पहले भाजपा की क्या प्राथमिकता होगी? देखिए सबसे पहले तो मैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, इन सबको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि एक कुशल रणनीतिकार के नाते जिस प्रकार से हरियाणा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है उसमें बहुत बड़ी भूमिका केंद्रीय नेतृत्व की रही है। और हमें बड़ी खुशी है कि आज तीसरी बार जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। गुप्ता जी, जिस तरह चुनाव से पहले कांग्रेस कह रही थी कि कांग्रेस आ रही है भाजपा जा रही है, तो ये सारा उल्टफेर हो गया, तो कांग्रेस के उम्मीदों पे कैसे पानी फिरा है और किस रणनीति से भाजपा ने चुनाव लड़ा है? देखिए पिछले 10 साल का जो कार्यकाल रहा और उसमें नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार देश का नेतृत्व किया, पिछले 6 महीने के अंदर नायब सिंह सैनी जी ने जिस प्रकार से पार्टी की बागडोर को संभाला, उससे एक परिवर्तन और एक लहर जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई। और वो लहर एक दबी लहर थी, वो वोकल नहीं थी। कांग्रेस वोकल होकर के ये कह रही थी कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने झूठ का सहारा लिया, हमेशा कांग्रेस पार्टी झूठ के सहारे जो है वो सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करती है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता बहुत सूझवान है, बहुत सूझबूझ वाली है और उन्होंने जिस तरीके से
डेवलपमेंट को देख करके, जिस तरीके से जो विकास हुआ है उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश की जनता बहुत अच्छी सोच के साथ उन्होंने मतदान किया है। क्योंकि अगर हम प्रदेश का विकास चाहते हैं तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का एक ही पार्टी का होना अति आवश्यक है, और जिससे हरियाणा प्रदेश के जो विकास को लेकर के लोगों ने मतदान किया है कि आगे भी हरियाणा प्रदेश का विकास हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनने जा रही है। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इन्होंने बताया कि पार्टी जल्द ही चुनावों के परिणामों की समीक्षा करेगी कि किस वजह से भाजपा के उम्मीदवार हारे हैं और कहां कहां जीते हैं और कहां कहां कम मार्जिन से जीते हैं। तमाम मुद्दों पर समीक्षा की जाएगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।